वो तीन तरह के जो रोल्स हैं वो इंटरपर्सनल हैं इंफॉर्मेशनल हैं और डिसीजनल हैं अब इनको क्या क्या है इन पे बात करने की कोशिश करते हैं सबसे पहला रोल है इंटरपर्सनल इंटरपर्सनल है रिलेटेड टू तो पीपल। ये ऐसा रोल है जो लोगों से मुतल है उसकी पहली टाइप है फ़िगर हेड फिगर हेड वो लोग होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में जिनके पास कोई फॉर्मल अथॉरिटी तो नहीं होती बट स्टिल पीपल फॉलो देम बिकॉज ऑफ देयर क्रिजमेटिकलिटी बिकॉज ऑफ देयर फादरली मदरली एटीट्यूड इस रोल को हम फिगर हेड कहते हैं जैसे आपके स्कूल में जो आपकी प्रिंसिपल वगैरह होंगी उनके पास या कोऑर्डिनेटर होंगी दे है फॉर्मल अथॉरिटी बट हो सकता है कि आपके स्कूल में आपके टीचर्स आपको ज्यादा पसंद हों और आप उनकी पर्सनैलिटी की वजह से उनके क्रिजमेटिक्सनैलिटी फादरली और मदरली एटीट्यूड की वजह से यू ओबे दम मोर तो अब वो रोल जो लोगों का है जिसमें फॉर्मल अथॉरिटी के बगैर भी वो लोगों को गाइड और मोटिवेट कर सकते हैं उसको हम फिगर हेड कहते हैं जो दूसरा रोल है उसको लेजोन कहते हैं लेजोन स्टैंड्स फॉर द ब्रिज जैसे कि सीनियर और जूनियर मैनेजमेंट के दरमियान का जो मैनेजर होता है उसे लेजोन मैनेजर कहा जाता है स्कूल में प्रिंसिपल और स्टूडेंट्स के दरमियान में कोऑर्डिनेटर्स होते हैं या होती हैं ये जो कोऑर्डिनेटर्स होते हैं या होती हैं दैट आर कॉल्ड लेजोन मैनेजर्स इनका काम होता है लिंक और ब्रिज डेवलप करना बिटवीन द जूनियर और सीनियर्स यानी स्टूडेंट्स और मैनेजमेंट के बीच और फिर जो तीसरा इंटरपर्सनल रोल है दैट इज कॉल्ड लीडर लीडर वो होता है जिसके पास फॉर्मल अथॉरिटी होती है और उस फॉर्मल अथॉरिटी को यानी उसके पास कोई डेजिग्नेशन है मैनेजर असिस्टेंट मैनेजर प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल उस डेजिग्नेशन या अथॉरिटी को वो यूज करता है टू टू मोटिवेट द द द पीपल अचीविंग गोल्स ऑफ बिजनेस यानी अगर उसको कहीं भी लगता है कि पीपल आर नॉट बीइंग मोटिवेटेड या वो उनको काम करना सिखाना है या कुछ भी तो लीडर फिर अपने रोल को यूज करते हैं yes, ये तीन रोल हैं टू लोगों से और तीन और रोल जिनको हम पढ़ने जा रहे हैं रिलेटेड रिलेटेड रिलेटे पहला रोल है मॉनिटर का रोल मॉनिटर कहते हैं हम रिसर्चर को Uh, जैसे क्लास का मॉनिटर इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है ना ऐसे ये भी रिसर्च करने वाले मार्केट में जाके कंपनी की वीकनेसे स्ट्रेंथ आइडेंटिफाई करने वाले लोगों से क्वेश्चन फिल कराने वाले उनसे पूछने वाले वो लाइक द प्रोडक्ट और नॉट ये भी तो मैनेजर का ही काम है ना कि वो मार्केट में जाके बिजनेस के बारे में रिसर्च करें तो ये रोल मॉनिटर कहलाता है और फिर डिसेमिनेटर है जब ये रिसर्च आपने कंडक्ट कर ली जो इन्फॉर्मेशन आपके पास है इसको वो आपने रेलिवेंट डिपार्टमेंट तक पहुंचाना होता है अगर रिसर्च की के जी प्रोडक्ट बहुत ही खराब क्वालिटी की है इसलिए लोग उसे नहीं ले रहे हैं तो फिर यू नीड टू गिव दैट प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन टू क्वालिटी डिपार्टमेंट ना ताकि वो अपनी जो इन्फॉर्मेशन है उसे इम्प्रूव करें और फिर स्पोक्स पर्सन ये वो रोल है जो कि जो ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करते हैं आउटर वर्ल्ड में यानी ऑर्गेनाइजेशन ने जब बैंक के पास जाना है लोन लेने के लिए तो जो बंदा जाएगा दैट विल बी कॉल्ड स्पोक्स पर्सन या गवर्नमेंट के साथ टैक्स की को डील करने के लिए जाना है तो जो बंदा जाएगा जो ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करेगा दैट विल बी कॉल्ड तो ये तीन रोल हैं जो इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड है मॉनिटर जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है डिसमिनेटर जो उस इन्फॉर्मेशन को रेलिवेंट जगह पे जहाँ उसको होना चाहिए जिस डिपार्टमेंट तक पहुंचाना है वो पहुंचाता है और स्पोक्स पर्सन डेलीगेट जो कि इन्फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करता है इसी तरह चार और रोल हैं जिनको डिसीजनल रोल्स कहा जाता है लास्ट सेट ऑफ रोल्स तो उसमें सबसे पहले ऑन्टप्रीनोरशिप रोल है ये वो है जो कि इनोवेशन से रिलेटेड जो कि आपको आ, ये बिजनेस के नए आइडियाज क्या होंगे उन आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे ये बताता है ये भी मैनेजर का काम है और फिर डिस्टर्बेंस हैंडलर है जैसे स्कूल में दो बच्चों की लड़ाई हो जाए तो कोई तो हैंडल करता ही ना ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में कोई डिस्प्यूट्स हो जाए कोई अचानक ब्रेक डाउन ऑफ दी मशीनरी हो जाए लाइट चली जाए जनरेटर खराब हो जाए उस डिस्टर्बेंस को जो बंदा हैंडल करता है वो भी एक मैनेजर ही होता है और फिर रिसोर्स एलोकेटर इस पे बारे में बहुत डिटेल से हमने पढ़ लिया ये वो बंदा है जो रिसोर्स एलोकेट करता है कितनी लेबर चाहिए कितना कैपिटल चाहिए किस काम को करने के लिए और फिर नेगोशिएटर है ये वो बंदा है जो कि नेगोशिएशंस करता है अगर लेबर कह रही है कि मेरी तनख्वाह बढ़ाओ तो उस तनख्वाह बढ़ाने के लिए नगोसिएशन कौन करेगा वो भी मैनेजर ही करेगा अगर लेबर अगर कोई गवर्नमेंट कह रही है कि टैक्स बढ़ाओ तो उसको करने के लिए भी नेगोशिएटर ही होगा अगर जो आपका कंज्यूमर है उसके साथ रेट डिसाइड नहीं हो रहा तो रेट्स पे जो नेगोशिएशन करेगा वो भी मैनेजर ही होगा तो ये जो रोल है ये डिसीजनल रोल कहलाते हैं तो इस तरह से दस रोल हुए चार डिसीजनल में तीन इंफॉर्मेशनल में और तीन ही इंटरपर्सनल रोल में तो ये मिट्स बर्ग के दस रोल कहलाते हैं